नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरे घर के चारों तरफ में से दो तरफ तो रास्ते हैं और दो तरफ खाली जगह है जहाँ की बहुत अच्छे से गार्डनिंग हो सकता है, तो वही आज मैं आपके संग शेयर करूँगी। तो ये मेरा घर के पीछे का गार्डन है जो कि पूरा जंगल रूप लुक हो रहा है, क्योंकि यहाँ काफ़ी दिनों से सफाई भी नहीं हुई है। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे घर के बगल में जो जगह है उसमें भी बहुत अच्छा से पेड़ पौधे लगा हो और सजा हो, तो देखती हूँ कहाँ तक मुझे सफलता मिलती है। तो अभी समर गार्डन की पूरी तैयारी मैं अपने नीचे ग्राउंड गार्डन में ही करने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं आप चाह रही हूँ कि वो व्यू देख सकते हैं जो अभी कैसा है और इसको सजाने के बाद फिर कैसा लगेगा। तो काफ़ी टाइम लगता है गार्डन को बनाने में, तो कहाँ तक सफलता मुझे मिलेगी तो वो तो नहीं पता, पर कोशिश करके देखूँगी। तो ये मेरा घर में के पीछे का व्यू है जो देख सकते हैं कितने सारे प्लांट लगे हैं। तो मैं फ्लावर्स के प्लांट के संग संग वेजिटेबल्स भी लगाना पसंद करती हूँ। तो इधर देख रहे हैं कुछ इंडोर्स प्लांट है और ये गुड़हल का पौधा जो काफ़ी पुराना है और बहुत ही हेल्दी पौधा है। तो इसको जनवरी में प्रूनिंग कर दिए थे, तो अभी नए नए ब्रांचेस आए हैं और फ्लावरिंग होना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ धूप की भी प्रॉब्लम रहती है विंटर में, यहाँ धूप नहीं आती है क्योंकि चारों तरफ से घर है और बीच में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होने के कारण धूप नहीं आने से विंटर के कोई फ्लावर प्लांट में फ्लावर बहुत देर से होती है। तो अभी फरवरी के लास्ट से यहाँ जो पौधे लगाए थे, कुछ ही पौधे लगाए थे विंटर के, तो उसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी तो इसमें देख रहे हैं कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं ज़्यादा देती हूँ क्योंकि ग्राउंड में लगे हैं, तो मंथ में एक बार किसी को बोल के साफ़ सफाई करवा देती हूँ। तो अभी मैं समर गार्डन की तैयारी यहीं करूँगी। तो देख रहे हैं कितने जंगल लुक हो रहा है। तो और ये देख रहे हैं बरबीना, तो अब जाके इसमें फ्लावर आना स्टार्ट हुए हैं, जबकि इसको अक्टूबर नवंबर में ही प्लांट लगाए थे पर धूप नहीं होने के कारण इसमें कोई फ्लावर नहीं थे। तो अभी बरबीना में और देखते डेंथस और डहेलिया में भी काफ़ी अच्छे से कलियाँ बने हुए हैं। और इधर देख रहे हैं कुछ इंडोर्स प्लांट लगे हैं और ये गुड़हल का जो पौधा देख रहे हैं, तो जब यहाँ गार्डनिंग स्टार्ट की थी तो गुड़हल का ही पौधा लगाए थे क्योंकि पूजा के फ्लावर के लिए। तो काफ़ी बड़े बड़े पौधे हैं गुड़हल के और पुराने पौधे हैं, तो उसी के कटिंग से मैं अपने छत में पौधे बनाई हूँ। और इधर देख रहे डहेलिया में कितने सारे कलियाँ बने हैं और यहाँ ज़मीन में पौधा लगा है, तो यहाँ के जो फ्लावर डहेलिया के खिलते हैं साइज में काफ़ी बड़ा होता है, जो गमले में पौधे लगे होते हैं उससे इस फ्लावर का साइज बहुत बड़ा होता है और बहुत ही अच्छा खिलने के बाद लगता है। तो अब इसमें सब में कलियाँ बने हैं और इधर देख सकते लौकी के बेल लगे हैं। तो धूप मिल जैसे जैसे अब बढ़ रही है तैसे पौधा का ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है। और इधर बैंगन के भी कुछ पौधे लगे हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है, अभी एक दो बैंगन ही लगे हुए हैं। तो पूरा जंगल लुक हो गया है, तो इसको मैं पूरे साफ करवा के फिर से अब नए तरीके से पौधे लगाऊंगी। और दूसरे तरफ जो खाली जगह है उसको मैंने पूरे पौधे बड़े बड़े थे तो उसको कटवा के हटवा दिए हैं, तो आगे वीडियो में मैं शेयर करूँगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो इधर देख रहे हैं कुछ इंडोर्स प्लांट लगे हुए हैं, तो ये सब काफ़ी हार्डी प्लांट है, एक बार लगा लेते हैं तो इसमें कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना केयर के भी ये प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं। बस इसको मंथ में एक बार अगर सावर कर देते हैं पाइप से तो इसके पत्ते के धूल हट जाने से पौधे ऐसे ही सुंदर लगते हैं। और ये कटिंग से मैंने कुछ एरेलिया लगाए हैं जो कि छोटे छोटे डब्बे में लगे हुए हैं। इधर गेंदे के भी पौधे लगे हुए हैं और ये देख सकते हैं तुरई के पौधे। तो अभी ये पौधा का ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो अभी इसमें कुछ फ्लावरिंग आना स्टार्ट नहीं हुए हैं पर अब हो जाएंगे। और ये देख सकते हैं केले के भी काफ़ी सारे पौधे हैं, तो केले की भी बहुत अच्छे से हार्वेस्टिंग हो जाती है। और इधर देख रहे हैं चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट जो कि केले के पौधे के नीचे ही लगे हुए हैं, तो ये इंडोर्स प्लांट बड़े पौधे के नीचे बहुत अच्छे चल जाते हैं, पर जो धूप में फ्लावर खिलते हैं तो वो प्लांट में फ्लावर आना नहीं होता है क्योंकि धूप नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, ये दूसरे साइड का व्यू है, तो यहाँ जगह थोड़ा कम है उस साइड से। तो इधर काफ़ी बड़े बड़े पपीते के पौधे थे जिसमें कि बहुत अच्छे से पपीते के हार्वेस्टिंग हुआ करती थी, तो उन सब पौधे को हटा के फिर से नए तरीके से इधर मैं गार्डन सजाऊंगी। तो देख रहे हैं इधर सब गुलदाउदी के पौधे जो कि मैं छत से ही ला कर इधर रखी हूँ, क्योंकि इसको अगर सेव करके रखते हैं तो पूरे साल परमानेंट पौधे की तरह रह जाते हैं, पर तेज़ धूप में पौधे को रखने से बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो इधर धूप कम है तो इधर साइड साइड से जो भी मेरे गुलदाउदी के कलेक्शन थे तो कुछ को मैंने इधर रखे हैं, कुछ जो एक ही तरह के थे तो वो बोरी में भी रख दिए हैं,
तो इस तरह से गुलदाउदी को सालों भर रखा जा सकता है। तो इधर मैंने कुछ जो प्लांट मेरे काफ़ी पुराने थे तो उन्हीं सबको अभी तो लगाए हैं, तो जैसे जैसे कटिंग से मैं पौधा तैयार करूंगी तो उसी हिसाब से मैं इधर पौधे लगाऊंगी। तो गार्डन सजाने के लिए पौधे खरीदने से अच्छा है तो कटिंग से तैयारी करते हैं या सीड से, तब जाके गार्डन पूरा भरा भरा लगता है। इस देख रहे हैं कुछ पौधे इधर हैंगिंग बास्केट में लगे हैं, जो पिटूनिया की एक दो पौधे इधर भी ला के रखे हैं। वैसे मैंने पिटूनिया के सब बालकोनी और विंडो में ही लगा के रखे हैं और गजनिया भी इधर ला के रखे हैं। तो जैसे धूप इधर दोपहर के बाद ही आती है तो विंटर के प्लांट को धूप से बचा के भी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इधर देख रहे हैं चांदनी के पौधे लगे हैं, गेंदे के पौधे लगे हैं, मोर पंखी। तो अभी तो पूरा ये एरिया खाली खाली लग रहा है, तो इसी को मैं डेकोरेशन करने की सोच रही हूँ। तो देख रहे हैं इधर, तो ज़्यादातर जो मेरे पौधे कटिंग से तैयार है उन्हीं को मैं यहाँ लगाऊंगी। और ये एडेनियम जो कि सबसे पहले, काफ़ी पुराना एडेनियम है, जब मुझे एडेनियम के कोई नॉलेज नहीं था तभी का ये पौधा है। तो अभी देख रहे हैं 10 साल के ऊपर का ही एडेनियम का पौधा चल रहा है। और इधर देख रहे हैं कुछ इंडोर्स प्लांट लगे हैं, जिसमें इधर भी देख रहे हैं मोगरा लगे हुए हैं और उसके बगल से डहेलिया और कोलियस देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस एरिया को मैं अपने कटिंग से लगे हुए पौधे और सीड से लगे पौधे से ही डेकोरेशन करूंगी, क्योंकि नर्सरी से पौधा लगाते हैं तो पूरा गार्डन में भरा भरा नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे करके मैं पौधे कटिंग से तैयार कर करके फिर इस एरिया में पौधे लगाऊंगी। तो उससे पहले आप इसके व्यू देख सकते हैं, फिर सजाने के बाद भी मैं शेयर करूंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।